तो अभी इस वीडियो में हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 141 से, और वो क्वेश्चन नंबर 141 जो कि फोटोसिंथेसिस का दे रखा है। फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ये दोनों ही लाइट रिएक्शन के पार्ट है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो फिनोमेना साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, साइक्लिक जिसमें केवल फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक जिसमें फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिक जिसमें एटीपी केवल एटीपी बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक जिसमें एटीपी के साथ साथ एनएडीपीएच2 भी फॉर्म होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत चुनना गलत। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ पीएस1 एंड पीएस2, गलत। लो आंसर क्या हो गया फर्स्ट, जबकि बाकी सारे स्टेटमेंट देखिए एटीपी और एनएडीपीएच कब बन रहे हैं, नॉन साइक्लिक करेक्ट। स्ट्रोमा लैमेला में केवल पीएस1 एंड लैक एनएडीपी रिडक्टेज करेक्ट। ग्रेनुलर लैमेला में बोथ पीएस1 एंड पीएस2 करेक्ट। सो इसलिए आंसर क्या हुआ बेटा 1। आप ऐसी हैबिट डालिए आपको वहां क्रॉस करना आना चाहिए, नहीं तो हम लोग गलती से करेक्ट लगा देते क्योंकि हम लोग फ्लो में होते हैं ना, तो ये गलती हमसे आम तौर पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिसमें दे रखा है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। यस वी वेल नोन, ये बात हो रही है ब्लू ग्रीन एल्गा, ये रहा चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टॉपिक का नाम है बैक्टीरिया और उसमें भी ब्लू ग्रीन एल्गा जिसमें फिलामेंटस एल्गा होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है बेटा, जिसे बोलते हैं हेटरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेटरोसिस्ट ना कि शीथ सेल्स, हेटरोसिस्ट बोलते हैं, हेटरोसिस्ट बोलते हैं। उसके बाद फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। नो ये भी गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल, यस दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड, ये कैसे हो सकता है, डेड ऑर्गेनिज्म जो डेड होते हैं डेड प्लांट्स पे या लिविंग उन्हें कहते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट मतलब डीकंपोजर्स, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म, ये तो पैरासिटिक करेक्टर हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमें क्या चुनना है, करेक्ट। नेक्स्ट मैच द कॉलम, इस और मैच द कॉलम का तो भंडार था जिसमें आप देख रहे हो पूरा नाइट्रोजन साइकिल को दिखाया गया, बिल्कुल इजी, केवल इसमें नाइट्रोजन साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया। अगर आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल कॉमन सेंस, भाई आपने देखा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करना, अमोनिया में, फिनोमेना को क्या कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये काम किसने, भगवान ने, ये काम के लिए कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम, राइजोबियम। केवल प्रोकैरियोट्स में ताकत होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करके सीधे अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का नाइट्राइट में, नाइट्राइट का नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में बदलना, डीनाइट्रिफिकेशन, थायोबैसिलस जो कि करता है, याद आ रही बात, बस वही क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले नाइट्रोकोकस, नाइट्रो अभी अभी आपको बताया नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस क्या करेगा, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। ये लीजिए राइजोबियम क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंजर्व करने का काम करेगा। थायोबैसिलस क्या करेगा, ये लीजिए डीनाइट्रिफिकेशन करेगा। नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो मैच करा लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन, केवल नाइट्रोजन साइकिल को अपने दिमाग में रखना था। नाउ जो कि रेस्पिरेशन से है, रेस्पिरेशन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, फिर से देखिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत तेजी में बच्चे पढ़ जाते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट एक एग्जामिनेशन प्रेशर तो रहता है, बट ऑब्वियस है यार अगर कोई भी बच्चा टेस्ट दे रहा है तो उसका करियर डिसाइड होने वाला है, उस समय वो बिल्कुल पैनिक हो जाता है और उस समय ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलती होते हैं। हमको बहुत पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। तो
बोला कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पहला बोला ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडिएंट इन रेस्पिरेशन. यस ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल. केमियोस्मोटिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी और वहां पर आपने देखा होगा कि प्रोटॉन ग्रेडिएंट होता है, वही मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है वही बेसिकली प्रोटॉन ग्रेडिएंट को प्रोड्यूस करता है. सेकंड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल इज ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द बिल्कुल सही, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टर्मिनल ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक मॉलिक्यूल NADH2 से तीन ATP बनते हैं, तीन, और एक FADH2 से दो ATP बनते हैं. अगर आप अपना दिमाग लगाए तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस के सिक्स्थ स्टेप पर क्या बनता था NADH2, तो एक NADH2 से कितने ATP बनते थे, तीन. अगर वही आप जाए लिंक रिएक्शन तो लिंक रिएक्शन में कितने NADH2, याद करिए लिंक रिएक्शन में दो NADH2 मतलब कितने ATP, 6 ATP. और वही क्रेब्स साइकिल में याद करिए 4 6 8 10 एट स्टेप पे NADH2 होता है और 4 6 10 पे NADH2 होता है बेटा, NADH2 होता है. तो NADH2 से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP, जबकि यहां पर क्या दे रखा है देखिए, NADH2 गिव राइज टू गलत, FADH2 गिव राइज टू गलत, तो इसलिए आपको इनकरेक्ट चुनना है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, इन सम मेंबर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर द चैप्टर का नाम प्लांट एम्ब्रायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. और हमको अच्छी तरीके से पता है हमारी बुक में तीन फैमिली दे रखी है जिनमें कौन कौन सी है, रोजेसी लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, रोजेसी लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी. तो यहां पर कह रहा है viability for month, तो आंसर क्या होगा, this one. Next question आते हैं, identify the correct statement. Chapter का नाम molecular basis of inheritance. Correct चुनना है, correct. Circle मुझे correct चुनना है. पहला, split gene arrangement is characteristic of prokaryote. देख लिया, prokaryote is a characteristic of eukaryote. Prokaryotes मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में तो पूरा डीएनए एक्सप्रेस होता, वी कॉल इट जीनोफोर. क्या बोलते हैं, जीनोफोर, मतलब वहां पर जंक डीएनए होता ही नहीं, कंप्लीट डीएनए एक्सप्रेस होता है. तो इसलिए स्प्लिट जीन की बात कहां से होगी. नेक्स्ट, कैपिंग 7-methylguanosine triphosphate is added to 3- end of heterogeneous nuclear RNA. My dear, कैपिंग जो होती है वो 5- end पे होती है, 5- end पे होती है, ना कि 3-. गलत याद रही बात, और वो भी याद आपको आ रहा है 7-methylguanosine triphosphate cap, जबकि polyethylene 200 से 300 residue जो कि 3- साइट पे जुड़ते हैं बेटा, 3- साइट पे जुड़ते हैं. उसके बाद नेक्स्ट रखा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर, बिल्कुल सही बात, टू टर्मिनेट. यस, सिग्मा फैक्टर के साथ इनिशिएट और रो फैक्टर के साथ टर्मिनेट. तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, थर्ड. नेक्स्ट, द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एमआरएनए. देख रहे हैं द कोडिंग स्ट्रैंड, तो ये आंसर भी क्या हो गया, ये क्वेश्चन मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत, रॉन्ग. याद रही बात आपको, कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहा है, कोडिंग नहीं, एंटीसेंस स्ट्रैंड. याद आ रहा है अपन को, हमारी बुक में दे रखा है दो स्ट्रैंड होते हैं, टेम्पलेट और एक कोडिंग. तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो बनाता है ना हमारे ने, कोडिंग बनाता है क्या ना, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड एक टेम्पलेट एक कोडिंग, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके अकॉर्डिंगली जो mRNA बनता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होता है, जैसा होता है. केवल डिफरेंस क्या होता है याद आ रहा है आपको, थाइमीन की जगह पर यूरैसिल होता है, थाइमीन की जगह पर यूरैसिल होता है. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वेरी इजी. आप पहला देख रहे हैं, दैट इज देयर का जाइगोमॉर्फिक देखने के साथ ही याद आ जाना चाहिए कि ये बात कर रहे हैं कौन सी फैमिली, फैबेसी, जाइगोमॉर्फिक. अपनी बुक में चार फैमिली कौन कौन सी बोलो, सबसे पहली फैमिली ब्रासिकेसी, दूसरी फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, तीसरी फैमिली
सोलेनेसी और चौथी फैमिली लिलिएसी, हमारी बुक में केवल एक फैमिली है जो जाइगोमॉर्फिक है, दैट इज ओनली फैबेसी, बाकी तीनों एक्टिनोमॉर्फिक फैमिलीज हैं। और मैं सिंपल फंडा हमेशा बच्चों को क्लास में याद कराता हूं, सब कुछ पांच पांच, गाइनीशियम बाइकार्पेलिस इनकार्पस ओवरी सुपीरियर, तो फैमिली कौन सी हुई, फैमिली सोलेनेसी, सब कुछ तीन तीन, तो फैमिली कौन सी हुई, लिलिएसी। और अगर ब्रासिकेसी तो टेट्राडाइनमस, दैट इज 2+4, 2+4, ये 2+4, समझ नहीं आ रहा आपको, तो ध्यान से देखेंगे मैच हो जाएगा। ये जाइगोमॉर्फिक मतलब किसकी बात हो रही है, ये सब कुछ पांच पांच, सोलेनेसी पकड़ लो, तीन तीन, कौन सी फैमिली, लिलिएसी पकड़ लो, ये 2+4 टेट्राडाइनमस कंडीशन, क्रूसीफॉर्म कोरोला, तो ये कौन सी कंडीशन, जल्दी से पकड़ो ब्रासिकेसी, सर नहीं बात। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 148, जो कि बायोमोलिक्यूल्स, और बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें आप देख रहे हैं प्रोटीन, तो बट ऑब्वियस है प्रोटीन, प्रोटीन एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे बनती है, अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड के जो बीच में बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसलिए क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। अनसैचुरेशन फैटी, अनसैचुरेशन कब आता है, जब उसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आता है, तो अनसैचुरेशन, ये लीजिए कुछ याद है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे लाइनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, बट ऑब्वियस बॉन्ड कौन सा होगा, फॉस्फोडाईस्टर, फॉस्फोडाईस्टर, और पॉलीसेक्राइड तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पॉलीसेक्राइड सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, बॉन्ड अल्फा 1-4, याद आ रहा है, काइटिन, तो ये सब क्या है, इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, जो वाटर के एलिमिनेशन से फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 149, फिर से मैं सब बोल रही टॉपिक सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हमको अच्छी तरीके से पता है, एस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जी टू फेज जहां पर प्रोटीन आरएनए की सिंथेसिस कंटिन्यू रहती है और डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्वीसेंट, क्वीसेंट सेंटर, क्वीसेंट सेंटर आपको याद होगा कौन सा, जी नॉट फेज के बाद जो फेज आता है उसे क्या कहते हैं, क्वीसेंट सेंटर, तो क्वीसेंट सेंटर कौन सा हो गया, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डिप्लीकेशन, ये तो जी1 फेज हो गया, तो क्वीसेंट मतलब इनएक्टिव। हमारी बॉडी की जितनी भी परमानेंट सेल्स होती है वो सब किस फेज में, परमानेंट सेल्स, क्वीसेंट फेज, जरूरत पड़ने पर वो डिवीजन की कैपेसिटी को रिगेन करके वापस डिवाइड कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, तो ये आपका मैच ऑफ फॉलोइंग हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट आर आस्किंग, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बायोटेक के, जैसा कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि एम्पीसिलिन वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है, तो ऑब्वियसली अगर उस पार्ट को रिमूव कर दोगे तो उसमें ग्रो नहीं करेगा। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछना है बायोटेक के, नाउडेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन, अगर जीनोम के किसी पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हो गया है, वो उसका बेस पेयर सीक्वेंस चेंज हो चुका है, तो हाउ विल यू डिटेक्ट, पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग द कैंसर बाय अलॉइंग रेडियोएक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, बिकॉज अगर सपोज ये जीनोम है और जीनोम का सपोज अगर बच्चों ये पार्ट, सपोज दिस पार्ट ऑफ जीनोम, इफ आई से दिस इज म्यूटेटेड, दिस इज म्यूटेटेड, ये थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूं म्यूटेटेड, अगर आप लैब में वर्क कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये म्यूटेट हो चुका, जिस जीनोम का सीक्वेंस आपको पता है उस जीनोम का हम लोग लैब में पहले से ही बना करके रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस पहले से बना करके रखेंगे और उसके साथ कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड अटैच कर देंगे, रेडियो एक्टिव कंपाउंड अटैच्ड है जिस जीनोम का सीक्वेंस आप जानते हो, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस हम क्रिएट करते हैं, एनसीईआरटी क्लियरली डिफाइन कर रहा,
दिस इज कॉल्ड एज डीएनए प्रोब। आपने तो डीएनए प्रोब उस जीनोम का बनाया है जिसका सीक्वेंस आपको पहले से पता था। अगर यहाँ पे ये म्यूटेट हो चुका है तो ऑब्वियसली क्या इसके साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी मेंटेन होगी? कभी मेंटेन नहीं होगी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही ब्रेन में आपके आंसर बिल्कुल क्लियर आ जाना चाहिए। फर्स्ट कह रहे हैं, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक क्लेम फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंटरिटी विद इट। कॉम्प्लीमेंटरिटी है नहीं, अभी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर म्यूटेशन हो चुका है तो डीएनए प्रोब के साथ वो कॉम्प्लीमेंटरिटी शो ही नहीं करेगा। एक्सरे अगर आप पास करोगे तो दिखेगा नहीं। सेकेंड है, म्यूटेटेड जीन पार्शली अपीयर्स ऑन ए नाइन, म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली बिल्कुल नहीं। अ म्यूटेटेड जीन डज नॉट appear on a photographic film as the probe has no complementarity with it। तो सिर्फ आपको डीएनए प्रोब का कंसेप्ट पता होना चाहिए। डीएनए प्रोब हम लोग लैब में रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कंपाउंड का पहले से बना के रखते हैं, उसका बनाएंगे जिसका डीएनए सीक्वेंस आपको पता है। इन भाई साहब का जिनका पता है, अगर वो म्यूटेट हो चुके होंगे तो कहां से डीएनए प्रोब के साथ वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करेंगे? तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की थ्योरी को उन्होंने प्रैक्टिकल करके आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जूलॉजी का सेक्शन ए क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन। जो भी हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन रेट को बढ़ाते हैं, दैट हार्मोन्स आर कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन। मैं अपनी क्लास में एनसीईआरटी में जितने हार्मोन दे रखे हैं उनको ऑन टाइम कहता हूं, आपको याद होना चाहिए। एरिथ्रोपोएटिन है, थायरोक्सिन है, कॉर्टिसोल है और मेल का टेस्टोस्टेरोन। ये चारों ही हीमोपोएसिस या एरिथ्रोपोएसिस में रोल प्ले करते हैं। जब हम किडनी पढ़ते हैं, किडनी में पढ़ते हैं जेजीए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो कि जेजी सेल, मेसेंजियल सेल और मैक्यूला डेंसा से मिलकर के बना है। इसका जो जेजी सेल पार्ट है वो है सिक्रीटरी, और उस सिक्रीटरी से रिलीज होते हैं दो हार्मोन। पहला तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और दूसरा हम लोगों का हमेशा से ही फेवरेट है, नन अदर देन ग्रेमिन। फिलहाल यहाँ जेजी सेल से एरिथ्रोपोएटिन की बात कर रहे हैं, और एरिथ्रोपोएटिन जेजी सेल से जो रिलीज हो रहा है वो आरबीसी के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाएगा। और कौन कौन से बढ़ाएंगे? नेक्स्ट ईयर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूँ, मेल का टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन और कॉर्टिसोल। ये फोर हार्मोन है जो आपके बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन रेट को बढ़ा देंगे। और आरबीसी बनती कहाँ पर है? आरबीएम, रेड बोन मैरो। तो जब भी आप क्वेश्चन देखो तो सारी चीजें रिलेट कर लो। इसके अलावा अल्फा सेल पैंक्रियास का क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन। दी सेल्स ऑफ रोस्टल एडिनोफाइसिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, सेल्स ऑफ बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट और करेक्ट से हम लोगों को सावधानी रखनी है। जैसे रूट क्रॉस कर रहे हो, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पे कह रहे हैं इनकरेक्ट, और किसके बारे में? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्लास इंसेक्टा। एनसीईआरटी ने डायग्राम में काफी चीजें क्लियर कर दी है। इसके बारे में इनकरेक्ट हमें बताना। 10th abdominal segment में दोनों यानी मेल और फीमेल का अप्रोच में एनल सरकाई है, बताया है, दोनों में एनल सरकाई है। 9th sternum मेल में क्या है? एनल स्टाइल है। Second, a ring of gastric cecia is present at the junction of midgut and hindgut. बिल्कुल गलत बात है, फोर गट और मिड गट के बीच में होता है। मिड गट और हाइंड गट के बीच में क्या है? मैलपीजेंट टिश्यू। तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा था, मैं इनकरेक्ट मिल गया। बाकी ऑप्शन आप देखोगे तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों ही राइट है। तो कॉकरोच से एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तीन की मार्फोलॉजी है, अभी अर्थवर्म से भी क्वेश्चन देखेंगे कि आगे हम लोगों को मिल रहा है। इस बार कॉकरोच से क्वेश्चन पूछा गया, अदरवाइज ज्यादातर ग्लैंड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सक्कस एंटेराइकस, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। जैसे ही सक्कस एंटेराइकस आता है तुरंत हम लोग के ब्रेन में आ जा रहा है क्या? इंटेस्टाइनल जूस। काइम किसे कहते हैं? जब फूड पूरी तरह से गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाए। इफ फूड इज कंप्लीटली मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, दिस इज कॉल्ड एज काइम। पैंक्रियाटिक जूस की तो बात ही मत करो, उसके नाम से हम लोग कहते हैं मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव जूस।
मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव जूस, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी भाई साहब के पास अकेले है। इंटेस्टाइनल जूस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा डिनाई हम नहीं कर रहे, इंटेस्टाइनल जूस भी इंपॉर्टेंट है जिसका पीएच आपको मालूम है 8.5, 8 से अबव है इन जनरल, इसे सक्कर सेंटर आएगा। और गैस्ट्रिक जूस जिसका पीएच 1.8 और मोस्टली किसे डाइजेस्ट कर सकता है, ये प्रोटीन को। तो अब हम लोग देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 154 जो कि सेल डिवीजन से है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मियोसिस से उन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेज में मियोसिस प्रोफेज की शोस टर्मिनलाइजेशन ऑफ केएस बेटा। तो आपको पता है कि मियोसिस 1 जो कि बेसिकली चार फेजेस में बटा हुआ है, वेल नोन, कौन-कौन सी थी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और प्रोफेज 1 जो कि लॉन्गेस्ट फेज है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है लेप्टोडीन, जाइगोटीन, पैकीडीन, डिप्लोडीन, डायकाइनेसिस, जिसमें हमको पता है कि जो लेप्टोडीन स्टेज होती है वो थ्रेड लाइक स्टेज होती है जिसमें जितने भी क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो धागे जैसे दिखाई देते हैं। सेकेंड स्टेज जाइगोटीन जो कि सिनेप्सिस के लिए बड़ी फेमस होती है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के नियर बाई आ जाते हैं। पैकीडीन जो कि क्रॉसिंग ओवर के लिए फेमस होती है और क्रॉसिंग ओवर में हमको पता है क्या कि क्रॉसिंग ओवर किनके किनके बीच में होती है, हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए क्रोमोसोम होमोलोगस सही है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद डिप्लोडीन कियाज्मा के लिए फेमस होती है और डायकाइनेसिस मतलब जब कियाज्मा एक दूसरे से दूर जा करके बिल्कुल अलग कोने पर आ गए, दैट इज टर्मिनलाइजेशन। तो आंसर आपको मिल चुका है, दैट इज डायकाइनेसिस। नेक्स्ट देखते हैं 155, ये क्वेश्चन हम लोगों का फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 155, ये वो क्वेश्चन आ गया कोविड में हाहाकार मचा हुआ था किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सोचो अवेलेबल है फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लोग तलाश कर रहे थे, बाहर जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है 159 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर, जब हम उसे इनहेल करते हैं मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पास होकर के वो लंग की एल्वियोलाई में पहुंचता है 104 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mm ऑफ Hg। जिस कैपिलरी के साथ इसका एक्सचेंज होना है वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 45। ये सारी बातें एनसीईआरटी ने एक टेबल में दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही एनसीईआरटी की वो टेबल सामने हमारे फ्लोट कर जानी चाहिए। द पार्शियल प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई पूछ रहा है, तो एल्वियोलाई में भी मैंने कहा 159 बच्चों एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में जब आप उसे इनहेल करोगे लंग के एल्वियोलाई में जाएगी तो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 और उस तरफ कितना होता है ऑक्सीजन का 60 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 और इसी पार्शियल प्रेशर और डिफरेंस के कारण तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का कांसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो फिलहाल आंसर यहां पर क्या है सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों का ऑल टाइम फेवरेट नन अदर देन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम तो हम लोगों का हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। यहां पे मैच द फॉलोइंग है, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा से क्या क्या कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल यहाँ पे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर जो लिम्यूलस है, फाइलम आर्थ्रोपोडा लिविंग फॉसिल, फाइलम आर्थ्रोपोडा लिविंग फॉसिल, एनसाइक्लोस्ट्रोमा हुकवर्म, एनसाइक्लोस्ट्रोमा हुकवर्म एस्केलेंथीज और पिंटाडा पार्लोइस्टर फाइलम मोलस्का। तो इस तरह से आप पहले ही मैच करा लो फिर नीचे देखो क्या है जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी वाले पार्ट में भी बायोटेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं, जूलॉजी वाले पार्ट में भी बायोटेक पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं ना जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आएगा वो बायोटेक के कारण आएगा, क्लास में हमेशा ही बोलता हूं। 5 ईयर प्लान में 1969 में अंडर द विजिलेंस ऑफ एम एस स्वामीनाथन जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आएगा वो बायोटेक के कारण आएगा, वो क्वेश्चन पेपर देख के भी हमें पता चल रहा। PCR, जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन थेरेपी सब यही पूछ रहा बार बार। क्या क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड, हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में नहीं चेंज होगा, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज नहीं होगा तो आप उसकी फिर कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी कहां से जनरेट करोगे। इन द बिगिनिंग देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड,
पहले भी मैं बता चुका हूँ, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर रेंज पे आपको बताया था अभी मैंने, 94 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे आल्सो कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ डीएनए, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल बी चेंज्ड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 158, जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं एस्परजिला स्नाइडर किसका सोर्स है, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइल एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलने का काम, लैक्टिक एसिड। तो वेरी इजी क्वेश्चंस, जैसा कि अभी विनय सर ने बोला था, मैं भी वही चीज रिपीट कर रहा हूं, पहले आप इसको मैच कराएं, आफ्टर दैट इस पर जाएं, अदरवाइज ए का वन बी का टू, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत टाइम होता है और हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत भी होता है, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 159, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली, फिर से जो रॉन्ग है इनकरेक्ट है करेक्ट है हाईलाइट करेंगे, रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के बारे में जैसा मैं कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन या बुक आप जब पढ़ने जाओ, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो फ्रंट पे लाओ। स्मूथ मसल जिसे प्लेन मसल कह रहे हैं, इनवॉलंटरी मसल है, सिंगल न्यूक्लियस है, प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड एंड कार्डियक। कार्डियक की अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। कार्डियक के पास स्मूथ और स्ट्राइएटेड दोनों की प्रॉपर्टी है। स्ट्राइएटेड जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिलेंड्रिकल है, जिसे वॉलंटरी मसल कहते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसकी जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में आ चुकी है, अब हमें स्मूथ के बारे में रॉन्ग बताना है। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल, बिल्कुल सही बात है। जो स्मूथ मसल है उसे विसरल मसल कहते हैं। बॉडी की सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटी इनके हवाले कर दी है, तो बॉडी के विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ मसल। सेकेंड क्वेश्चन, दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशन, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसीलिए जिसे नॉन स्ट्राइएटेड प्लेन मसल हम लोग कहते हैं। इनवॉलंटरी नेचर में, क्योंकि आपके विल पावर पे डिपेंड नहीं होती है, पीएनएस के वायर रेगुलेट होती है। कम्युनिकेशन अमंग दी सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, बिल्कुल गलत बात है। इंटरकैलेटेड डिस्क तो प्रॉपर्टी है, अभी जस्ट मैंने बोला था किसकी, कार्डियक मसल की। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही स्मूथ मसल, स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड सारी प्रॉपर्टी आपके सामने आ जानी चाहिए, एनसीईआरटी का वो पेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। एनसीईआरटी ने एचएसडी यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक पैराग्राफ में केवल ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में दिया है। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब वो डिजीज जिसमें बॉडी अपने ही किसी पार्ट को दुश्मन की तरह ट्रीट करने लग जाए। आप अपने घर में किसी को डील करने लग जाओ, ये ज्यादा ही उपदेश दे रहे हैं, रुक जाओ, इनके अगेंस्ट में हम फायरिंग करते हैं। बॉडी को लग रहा है कि ये बॉडी का पार्ट किसी काम का नहीं है, उसे एंटीजन की तरह ट्रीट करेगी। और अगर आप किसी को दुश्मन समझोगे तो उसके अगेंस्ट में आप बोलोगे। जब आप इसे एंटीजन मान रहे हो तो आप क्या बनाएगी, आपकी बॉडी एंटीबॉडी। तो इसीलिए इसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बॉडी अपने ही किसी पार्ट को एंटीजन की तरह ट्रीट करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। पहली चीज, जितनी ऑटोइम्यून डिजीज है उनके नेम हमें ऑन टन याद होने चाहिए। एनसीईआरटी ने रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सिर्फ दिया हुआ है, किसके बारे में, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ क्वेश्चन लेकिन बात कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व और मसल के बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा, मोटर एंड प्लेट, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइलकोलाइन, leading to fatigue, weakness, paralysis of skeletal muscle. Neuromuscular junction में antigen की तरह treat किया जा रहा है, उसके against में antibody बन रही है। Acetylcholine bind नहीं कर पा रहा, जब acetylcholine bind नहीं करेगा तो muscle contract कहाँ से करेंगी। कौन सा autoimmune disorder है, सिर्फ एक ही option आपकी तरफ जा रहा, that is myasthenia gravis। बाकी gout आपको मालूम है uric acid के deposition से। आर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस जिसमें इन्फ्लेमेशन आ जा रहा है जॉइंट्स में, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है। माइस्थीनिया ग्रेविस दैट इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम आ जा रही है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए,
बताने का सिर्फ लॉजिक ये है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो एक एक लाइन पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन करते समय भी चीजों को आप प्रॉपरली देखो। आगे के जो दो नए वीडियो होंगे आगे की सीरीज में, उसमें भी हम आपको यही बताएंगे हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, करेक्ट है इनकरेक्ट है, उसे किस तरह से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।